तो कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से हम यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मीटिंग आईडी लिखना और मेरा मीटिंग आईडी हर 3 डिजिट के बाद इस तरह से चेंज होना चाहिए। तो ये तो हमने मैन्युअली किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपना नंबर लिखूँ हर 3 डिजिट के बाद और डैश अपने आप स्पेस अपने आप लगा दें। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के में जाऊँगा, कहाँ से कैसे जाऊँगा, फॉर्मेट सेल के अंदर, नंबर के अंदर, कस्टम में, और यहाँ हम देंगे 3 बार जीरो या हैश। जीरो या हैश दोनों दे सकते हैं, इस पर मैं हैश देता हूँ। 1 2 3 स्पेस दीजिए, डैश दीजिए, अगेन स्पेस, 1 2 3 स्पेस, डैश स्पेस, अगेन 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दिया, और ऊपर मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता है कि कैसा शो करेगा आपका नंबर। ओके कीजिए, ये नंबर आपका इस तरह से शो हो गया। ये नंबर में अगर जीरो रहेगा वो तो नहीं लेगा ना, हैश भी ले लेगा। हाँ, हैश नहीं लेगा, जीरो रहेगा तो ले लेगा। हाँ, बीच में जीरो हुआ तो ले लेगा, स्टार्टिंग में जीरो हुआ तो नहीं लेगा। हाँ, ओ अच्छा।